अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ये देखें, आज मैं जो पुलाव बिरयानी होती है वो पका रही हूँ, तो मैंने ऊपर रख दी थी, तो मैंने कहा चल मैं आपसे रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। ये मैंने बस प्याज ब्राउन करके और चिकन डाला है और हल्का सा नमक डाला है बस, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की बिरयानी पकती है, इसको पुलाव बिरयानी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कितने मज़े की। ये देखें, ये लाल होना शुरू हो गया है चिकन हमारा, जो सही अच्छी तरह भूनना है ताकि ये बिल्कुल रेड हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये डालेंगे, इसको डाल के तो हम 2-3 मिनट भूनेंगे इसको। फिर इसमें हम टमाटर सिर्फ मिर्चे डालेंगे और बिरयानी मसाला डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, अब हम इसमें टमाटर और सिर्फ मिर्चे डालेंगे। ये बहुत ही मज़े की राइस बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा इसका कि कैसे पके हैं आपको। ये एक सबक में साबित लगी अभी इसमें। ये 2 चम्मच बिरयानी मसाले का लिया मैंने, ठीक है। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ठीक है। और आपने जो चिकन है ना, इसको सही अच्छी तरीके से भूनना है इसको, पहले प्याज के साथ इसको भून के सही लाल करके फिर इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगी ना, तो आप देखिएगा कि चिकन का जायका और राइस का जो जायका है वो डबल हो जाता है। और सब भी पूछेंगे कि आप लोगों ने कैसे बिरयानी बनाई है, और इसको बोलते हैं पुलाव बिरयानी। ये देखिए, अब हमारा ये बिल्कुल मसाला तैयार है, चिकन भी तैयार है, टमाटर सब मिर्चें सारा कुछ मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे, ठीक है। जितने हमारे पास चावल हैं उसके हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। अब जितने चावल होंगे उसी हिसाब से पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं डालने लगी हूँ। को ढक दिया, ठीक है। और आँच जो है हमने मीडियम ही रखनी है, ताकि जो चिकन है वो थोड़ा सा और गल जाएगा, तो फिर हम इसमें जी देखिए मैंने चावल बीच में डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम इसका नमक वगैरह चेक कर लेंगे, तो फिर पानी जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। और साथ ही इसमें ना, जैसे बिरयानी में कलर डालते हैं हम, ऑरेंज कलर, जर्दा कलर, वो फिर हम थोड़ा सा ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, अब इसका पानी ड्राई हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये कलर डालेंगे, फिर इसको हम 10 मिनट दम पे रखेंगे, ठीक हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर डिश आउट कर लेते हैं। अब ये देखें, सैलेड भी हमने बना लिया है, ठीक है, देसी स्टाइल में। और ये हम राइस के ऊपर डालेंगे, ठीक है। और हमारा लंच हो गया तैयार, तो अब हम लंच कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सब ने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अचार भी ले रहे हैं।